हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णा बिरला मैं शिक्षा सदन से। पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक आयोजन के बारे में पढ़ा कि प्राकृतिक आयोजन जो है वो तीन चार विधियों द्वारा होता है। प्राकृतिक आयोजन चार विधियां हैं हमारे पास, हमने पढ़ी है। तने द्वारा कैसे होता है, जड़ों द्वारा कैसे होता है, पत्तियों द्वारा कैसे होता है और पत्र प्राय कलिकाओं द्वारा कैसे होता है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा पत्र प्राय कलिकाएं, इनके द्वारा कैसे होता है। तो पत्र प्राय कलिकाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, जो पुष्प कलिकाएं होती है, फ्लावर बर्ड्स जो होती है, ये फ्लावर बर्ड्स किसमें चेंज हो जाती है, पत्र प्राय कलिकाओं में चेंज हो जाती है। इस तरह ग्रुप में ये फ्लावर बर्ड्स चेंज हो जाती है और जब ये भूमि पर गिरती है तो इससे एक नया प्लांट बनता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगेव के अंदर पाया जाता है, डायोस्कोरिया के अंदर पाया जाता है, ग्लोबा के अंदर होता है और लिलियम के अंदर पाया जाता है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि चार प्रकार से तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र प्राय कलिकाओं यानी पुष्प कलिकाएं किसमें रूपांतरित हो जाती है, पत्र प्राय कलिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। और ये जब ये पत्र प्राय कलिकाएं जमीन पर गिरती है तो उससे नया प्लांट बन जाता है। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। अगेव का एग्जाम्पल देखे तो पुष्प कलिकाएं एक ग्रुप बना लेती है, इस तरह समूह बना लेती है और ये जब जमीन पर गिरती है तो यहाँ पर नया प्लांट बन जाता है। अब हमारे पास आता है कृत्रिम कायजनन की बात। कृत्रिम कायजनन क्या होता है, तो जो वैज्ञानिकों द्वारा या हमारे द्वारा करवाया जाता है अच्छी फसल उत्पादन के लिए कम समय में जब हम ये क्रिया कराते हैं तो हम उसे कहते हैं कृत्रिम कायजनन। कि कायिक जनन जड़ तना पत्ती इनके द्वारा जनन की क्रिया है लेकिन हमारे द्वारा करवाई गई है, जगह बगीचे वगैरह बाग वगैरह बागान जो लगते हैं उनमें इस तरह की क्रियाविधि होती है। तो कृत्रिम कायिक जनन को अगर हम डिवाइडेशन करें तो हम तीन तरीके से कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया कर सकते हैं, कर्तन या कलम भी कैसे हम इसको कर्तन कलम या इसको हम कहेंगे कटिंग। फिर इसमें आता है दाब लगाना या स्तरण भी कहेंगे इसको और कहेंगे इसको लैदिंग। और थर्ड है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग या रोपण। इन तीनों तरह की क्रियाओं को आज हम यहाँ देखेंगे कि कृत्रिम कायजनन की क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहला आता है कटिंग। कटिंग किस तरह की होती है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर तुमने कभी देखा हो तो गुलाब वगैरह की क्या हम लगाते हैं, हम कलम लगाते हैं। कलम क्या होती है, पार्ट जैसे तने का या जड़ का कोई पार्ट काट लिया और उस पार्ट को हम जब काट लेते हैं तो उसको सीधा जमीन में अगर हम बोते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कलम लगाना। तो कलम दो प्रकार से लगाई जाती है, एक है तना कर्तन और एक है मूल कर्तन, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। जब स्टेम कटिंग की बात आती है तो कोई भी जब स्टेम कटिंग या कर्तन की जब अपन कटिंग करते कलम की तो हम ये देखते हैं कि हमें उसका कितना भाग काटना है, हमें किस जगह पर बोना है और उसको किस एनवायरमेंट में बोना है, कैसा वातावरण उसको देना है। इस तरह हम तने का किस आकार का हम तने का भाग काटे, ठीक है, कहाँ तक उसकी कलिकाएं हैं वहां तक हम उसको काटे, इसके भाग काटे तो उसको कितना चौड़ा रखे, कितना लंबा रखे, इतना भाग हम काटे। फिर हमारे जो हम जहाँ उगा रहे हैं वो सोयल किस तरह की, उसका पर्यावरणीय दशाएं कैसी है उस समय, उन सब का हम ध्यान रखें। और ध्यान रखने के बाद इसके अलावा उसको हम जमीन में बोते हैं। तो ये तो है नहीं तना, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें रूट का इनिशिएशन जल्दी हो, जल्दी इसमें रूट्स निकले, जो अपस्थानिक जो जड़े हैं वो जल्दी परिवर्तित हो, इसके लिए हम इसमें हार्मोन्स का भी छिड़काव कर सकते हैं। लास्ट ईयर के अपन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है वो इसके लिए अच्छे होते हैं। तो हम पर मोस्टली किसका यूज करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। तो यहाँ पर हम इन पादप हार्मोन्स को भी छिड़क सकते हैं या इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल अगर हमको चाहिए तो भी हम इसके अंदर डालकर तने का कर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अंगूर के अंदर, अमरूद के अंदर, बोगनवेलिया में, गुलाब में हम तना कर्तन कर सकते हैं।
इस तरह की क्रियाविधि हम कर सकते हैं। लेकिन जब मूल कर्तन की बात आती है तो मूल कर्तन में हम क्या कर सकते हैं, जब अपन मूल का कोई भाग काटते हैं तो मूल को हम इस तरह ऊर्ध्वाधर लगाते हैं ताकि ऊपर के भाग से अपस्थानी कलिकाएं निकले और प्ररोका उत्पन्न हो, जबकि रूट को हम इस तरह, इसको तने को हम इस तरह लगाते हैं और तने का कुछ भाग हम इस तरह भी काटते हैं, इसको तिरछा भी काटते हैं। तिरछा काटने से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, इसका जो ये स्पेस से बढ़ जाता है ताकि ये जो एब्जॉर्प्शन पावर है ये ले और यहाँ से अपस्थानी कलिकाएं निकले यहाँ से। तो हम इसको तिरछा काटते हैं, इसको जगह ज्यादा मिले इसके लिए। रूट को हम लगाते हैं तो इस तरह ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाते हैं ताकि ऊपर की तरफ कलिकाओं का परिवर्धन हो और नीचे की तरफ रूट का परिवर्धन हो। ये है तना कर्तन और मूल कर्तन। नेक्स्ट विधि आती है लेयरिंग करना। तो लेयरिंग दो प्रकार से होती है, एक सामान्य लेयरिंग या दाग लगाना कहते हैं हम इसको, और दूसरी लेयरिंग होती है बूटी बांधना। दाग लगाना और बूटी बांधना। दाग लगाने वाली क्रियाविधि समझना कैसे, ये जो विधि है ये क्या होती है, जो बड़े पेड़ जैसे अमरूद हुए, अनार हुआ, अमरूद हुआ, इन बड़े पेड़ों में ये मोस्टली यूज में ली जाती है। तो इनके लिए यूज में ले दाग लगाने के टाइम हम क्या करते हैं कि जैसे ये कोई पेड़ है, इसके अलग अलग शाखाएं हैं, ये अलग अलग शाखाएं हैं, तो हम क्या करते हैं इसके सबसे नीचे वाली शाखा को थोड़ा सा प्रेशर लगाकर इसके जहाँ पर इसमें पर्व है, उन पर्व और पर्व संध्या है, उसको इतना प्रेशर लगाते हैं कि उसको नीचे ले आते हैं और बाकी शाखा वो ऊपर ही रहती है। तो ये नीचे ये जो पार्ट है तो जमीन में क्या है 20 से 30 सेंटीमीटर अंदर कर लेते हैं। तो जैसे इसको 20 से 30 सेंटीमीटर, अब ये नमी पाकर यहाँ से क्या निकलती है, अपस्थानी कलिकाएं निकलती है, और जैसे ही अपस्थानी कलिकाएं यहाँ से निकलती है तब हम इसको मेन प्लांट से यहाँ से अलग कर देते हैं और इससे एक नया प्लांट बन जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, लेयरिंग, स्तरण। वापस समझो इसको कि एक मेन प्लांट है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जो सबसे नीचे वाली शाखा है उस नीचे वाली शाखा को हम थोड़ा प्रेशर लगाकर जमीन के अंदर ले जाते हैं, और ये जैसे ये वाली शाखा है तो इस वाली शाखा को अपन ने जमीन के अंदर रखा, तो ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर रहेगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। नीचे आने से यहाँ पर उपस्थित जो अपस्थानी कलियां हैं, अपस्थानी जड़ें परिवर्तित होने लग जाएगी और यहाँ से नया प्लांट बनने लग जाएगा। जब ये नया प्लांट बनने लगे तो हम इसको मेन प्लांट से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं स्तरण के लिए, ठीक है, दाब लगा रहे हैं जिससे एक नया प्लांट बन रहा है। आगे समझ में। फिर आता है बूटी बांधना। बूटी कैसे बांधती है, जैसे ये भी बड़े पेड़ों में मोस्टली यूज में दिया जाता है, जैसे इसमें क्या होता है, एक बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पर कि हम दाब से, ज्यादा बड़े पेड़ होते तो हम प्रेशराइज नहीं कर सकते उनको, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं तो हम उनको प्रेशर करके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जो बड़े हैं उनकी शाखाएं जो मोटी है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको नहीं डाल सकते, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ ये ब्रांच है ना, ये एक बड़ा पेड़ है, यहाँ जो ब्रांच है यहाँ इस नीचे वाली शाखा को क्या करते हैं, एक बड़ा सा चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के उसके वहां तक चीरा लगाता है ताकि उसके जाइलम फ्लोएम दिख जाए, इतना बड़ा उसके अंदर चीरा लगाते हैं। जाइलम फ्लोएम दिखने के बाद उस चीरे के यहाँ पर एक गीला कपड़ा लपेट लेते हैं, या सूतले वगैरह या बोरी वगैरह या गीला कपड़ा कुछ भी इसके ऊपर लपेट लेते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर, जो ऊपर वाली है ये शाखा, इसके ऊपर एक मटकी बांधते हैं और इस मटकी के नीचे एक छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद इसका कनेक्शन एक सूतली के जरिए, एक धागे के जरिए, या उस छेद के अंदर एक धागा डाल देते हैं और धागे के जरिए हम उसका कनेक्शन इस बोरी पर कर देते हैं या इस कपड़े पर करते हैं। अब इसमें पानी भर देते हैं, तो पानी यहाँ पानी गिरता रहता है तो धीरे धीरे यहाँ पर जड़ों का परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे जड़ें बनने लग जाती है फिर इसे मेन प्लांट से अलग करके कहीं और इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस तरह की विधि को हम क्या कहते हैं, बूटी बांधना। वापस एक बार, बड़े पौधों में ये की जाती है, बड़े प्लांट्स जो होते हैं, बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं उनमें ये की जाती है।
नीचे वाली ब्रांच में एक चीरा लगाते हैं, चीरा उतना लगाते हैं कि उसके जाइलम फ्लोएम दिखने लग जाए। जाइलम फ्लोएम दिखने के बाद इसके ऊपर हम ऑक्सीन का भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि जड़ों का परिवर्तन जल्दी, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का छिड़काव कर सकते हैं जड़ों के परिवर्तन के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक गीला कपड़ा लपेट लेते हैं। गीला कपड़ा लपेटने के बाद यहाँ से इसके जस्ट ऊपर वाली ब्रांच पर एक मटकी लटकाते हैं। मटकी के पहले के अंदर है ना बॉटम में छेद कर लेते हैं और उस छेद में एक धागा डाल देते हैं या सूतली डाल देते हैं। सूतली डालने से और उसमें पानी भरा हुआ है तो वो सूतली के जरिए उसका कनेक्शन कहाँ कर देते हैं, इस घाव के ऊपर कर देते हैं। तो धीरे धीरे पानी यहाँ इस घाव तक आ जाता है और घाव पर आने के बाद क्या होता है कि घाव पर आ जाता है तो यहाँ से इसको पानी मिलता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पर जड़ों का परिवर्तन होने लग जाता है। जब यहाँ जड़ों का परिवर्तन हो जाता है तब इसको यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये है हमारा घुटी बांधना, बांधना या घुटी बांधना। फिर नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग, रोपण। रोपण क्या क्रिया होती है? रोपण वह क्रिया होती है जिसमें जैसे हमने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि गन्ने के दो प्लांट है, एक गन्ना शक्कर अच्छा देता है, अच्छी शक्कर बनती क्वालिटी वाली, लेकिन वो पतला होता है, एक गन्ना मोटा होता है। लेकिन अब हमें अगर दोनों ही गुण एक में लाने हो तो हम क्या करते हैं, दोनों गुणों को, तो इसके लिए हम ग्राफ्टिंग रोपण की क्रिया करते हैं। इसमें दो पौधों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि उन दोनों के करेक्टर्स अपन को मिल जाए। तो दोनों को जोड़ने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग की क्रिया में सबसे पहले देखो इसके अंदर जिसको रोपा जाता है किसी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, कलम या सीएन, SCIONCN, जिसके अंदर रोपा जाता है, जिसके अंदर उसको फिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्कंद, स्कंद और सीएन। ठीक है, तो यहाँ पे कलम और स्कंद हो गए हमारे पास। तो ग्राफ्टिंग की क्रिया में कलम को किसके अंदर डाला जाता है, स्कंद के अंदर। दो पौधों को आपस में जोड़ा जाता है तो स्कंद के अंदर कलम को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें स्कंद क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा और कलम क्या होगा, थोड़ा पतला होगा ताकि ये इसमें आ जाए। तो इस तरह की क्रियाविधि कहलाती है ग्राफ्टिंग की क्रियाविधि। अब ग्राफ्टिंग की क्रिया भी अलग अलग तरीके की होती है। इसमें चार तरीके की क्रिया होती है ग्राफ्टिंग की। सबसे पहली है जीवारोपण, दूसरी आती है हमारे पास बेज रोपण, तीसरी आती है मुकुट रोपण और चौथी आती है कलिका रोपण। इस जीवारोपण, बेज रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण। जीवारोपण में क्या होता है, जीवारोपण में ये इसमें स्कंद और सीएन दोनों सेम आकार के होते हैं, मोटाई दोनों की सेम होती है। स्कंद के अंदर कलम को रोपित किया जाता है। इसमें कोई चीरा लगाते हैं, कौन सा चीरा लगाते हैं, इसमें बेज के आकार का चीरा लगाते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं और वी आकार के चीरे को इसके अंदर रोपित किया जाता है। ठीक है, बेज रोपण में स्कंद की आकृति मोटी होती है और कलम भी, कलम की आकृति जो होती है वो उससे पतली होती है, या अपन यूं कहते समान आकृति है, लेकिन इसमें जो वेज है, जो कलम है उसकी आकृति वेज के जैसी होती है, कुल्हाड़ी के जैसी आकृति का इसके अंदर रोपित किया जाता है। कोई जरूरत नहीं है कि एक ही जगह, हम दो या तीन जगह इसको रोपित कर सकते हैं। मुकुट रोपण के अंदर क्या होता है, स्कंद जो होता है बहुत मोटा होता है और उसमें जगह जगह पर हम सीएन या कलम को जोड़ सकते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे स्कंद के ऊपर मुकुट जैसा बना हुआ हो। और कलिका रोपण वो होती है, स्कंद के अंदर हम टी आकार का चीरा लगाते हैं, ये टी आकार का चीरा, और इस टी आकार के चीरे में हम कलम को रोपित करते हैं। रोपित करने की विधि क्या है कि इनको जैसे बेज वाला हम जीवारोपण में वी आकार का चीरा लगाया, वी आकार के चीरे में कलम में भी वी आकार का चीरा लगाया, इसको अच्छे से इनको फिट कर दिया और चारों तरफ अच्छी तरह से सूतली बांध दी। और सूतली के बांधने के बाद क्या होता है कि जब तक इसको बांधे रखते हैं, जब तक कि इसके जाइलम फ्लोएम
कलम के जाइलम फ्लोएम, स्कंद के जाइलम फ्लोएम से अच्छी तरह मिलनी चाहिए। एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं इस तरह, ये है स्कंद, स्कंद में अपन ने बी आकार का चीरा लगाया और ये है, चलो ये मान लेते हैं सियर, सियर इसमें इसमें अपन इसके कम इसके जैसा ही हम चीरा लगाते हैं और इसके अंदर इसको फिट कर देते हैं। अब फिट करने के बाद ये फिट हुआ इसके अंदर और दोनों को अच्छी तरह से हम बांध देते हैं धागे से, या जब तक कि इनके जाइलम फ्लोएम मिल नहीं जाए, जब इसके जाइलम फ्लोएम आपस में मिल जाते हैं तो हम इन्हें दूसरी जगह या इस धागे को खोलकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर सकते हैं। अगेन अपन रिपीट कर लेते हैं, जीवा रोपण में भी आकार का चीरा लगाते हैं, वेज रोपण में वेज के आकार का, कुल्हाड़ी के आकार का चीरा लगाते, मुकुट रोपण में स्कंद मोटा होता है और सियन, बहुत सारे सियन इसमें रोपित कर सकते हैं, और कलिका रोपण में कलिकाएं जहाँ प्रेजेंट है वहां पर, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन गुलाब वाला ले ले, गुलाब के अंदर क्या होता है कलिकाएं प्रेजेंट, तो उसकी कलम को हम अपन काट लेते हैं, ये टी आकार का चीरा लगाते हैं और इस टी आकार में इस कलिका को रोपित कर देते हैं जिससे नया प्लांट बन जाता है। इस तरह की क्रियाविधि होती है ग्राफ्टिंग में। तो कृत्रिम कायिक जनन में हमारे पास तीन विधियां हैं, कर्तन, दाग लगाना या स्तरण और ग्राफ्टिंग। कर्तन में हमारे पास दो चीजें हैं, मूल कर्तन और स्तंभ कर्तन। दाग लगाना स्तरण में दो है, एक है दाग लगाना और दूसरा है बूटी बांधना। और ग्राफ्टिंग में हमारे पास चार मेथड है, जिब्बा रोपण, बेज रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण। ये चार तरह की क्रियाविधि है। इस तरह हमारे पास अगर हमें चार्ट बनाना चाहे तो चार्ट में हमारे पास एक इस पूरे चैप्टर का एक ही चार्ट बनता है, हम उस चार्ट को यहाँ बना लेते हैं और चार्ट बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या चीजें याद करनी है। इस तरह की क्रियाविधि में हमने ये पूरा चार्ट तैयार कर लिया इस चैप्टर का कि जनन दो प्रकार से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिनमें प्राकृतिक और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की सभी विधियों के नाम हैं इसमें विद एग्जांपल, कृत्रिम कायिक जनन में भी सभी विधियों के नाम हैं। मोस्टली हम इस पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं, जीवारोपण जिसमें स्कंद और सियन यानी कलम दोनों में भी आकार का चीरा लगाते हैं, वेज रोपण में कलम में वेज के आकार का और उसमें स्कंद में भी आकार का चीरा लगाते हैं, मुकुट रोपण में स्कंद में बहुत सारे चीरे लगाते हैं जिसके अंदर हम कलम को फिट करते हैं, और कलिका रोपण में हम टी आकार का चीरा लगाते हैं। इस तरह की क्रियाविधि को हमने इसमें देखा किस तरह अलैंगिक जनन आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन की क्रियाविधि होती है। अब हमारे पास ये है कि आवर्तबीजी पादपों में सेकंड हमारा ऑप्शन रहेगा लैंगिक जनन की क्रियाविधि क्या होती है। लैंगिक जनन मोस्टली हम कहते हैं कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं पुष्प ग्रहण करते हैं और बीज और फल उत्पन्न करते हैं, तो ये सारी क्रियाविधि लैंगिक जनन में होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है। इस वीडियो इसको अच्छे तरह से इसको देख ले, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इस चीज को। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।